हेलो जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, और क्या आप सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफ स्टाइल में। तो आज अष्टमी है, यानी कि कई लोग अष्टमी में पूजन करते हैं, कंजके बिठाते हैं, कई लोग नवमी में बिठाते हैं। तो आज अष्टमी है, हम लोग अष्टमी में बिठाते हैं। तो आज के दिन हलवा पूड़ी ये सब बनता है। मैं कंजकों के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं कंजकों के लिए ये लेके आई हूँ, सेब लेके आई हूँ, साथ में ये लेके आई हूँ, बनाना लेके आई हूँ, फ्रूटी लेके आई हूँ, और ये कुरकुरे लेके आई हूँ, और ये छोटे छोटे बिस्किट्स के पैकेट हैं, और साथ में नारियल है, और उधर रखा हुआ है ये है मोली है जो बच्चों के हाथों में छन छन करती है, और साथ में है ये तिलक लगाने के लिए उनके लिए लेके आई हूँ। तो सबको पैक करती हूँ मैं। तो मैंने छोटे छोटे बैग्स में इनको पैक कर लिया है, 11 कंजके अभी मैंने पैक की हैं। मैं बस अब बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चों, वैसे मैं यहीं से ऊपर से बालकनी से देख रही थी कोई बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे दिख जाए, लेकिन कोई मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मालूम है आपको कंजके हैं आज के दिन इतने ही ज्यादा, मतलब हर घर में सब लोग बिठाते हैं, अष्टमी में भी बिठाते हैं, नवमी में बिठाते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग बिठाते हैं। तो मेरे को सब बच्चे एक दूसरे के घर, मतलब लोग पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, तो मेरे को लगता है नीचे ही जाना पड़ेगा, मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो गाय सारे बच्चे आ गए थे यहाँ पे, अभी 6 कंजके ही आई थी और एक लड़का आया था। तो मैं जो थी बाकी कंजक रह गई थी मैं बाद में दे आऊँगी, तो बस इनको अभी बिठाया है। तो मैंने एक आपको भी दिखाने के लिए वीडियो क्लिप इनको बोला, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सब हलो बोलो। तो सब क्यूट क्यूट बच्चे हलो कर रहे हैं, और ये सबसे क्यूट ही पाई है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये मेरे को सबसे क्यूट लगी। A few moments later. गाइज अभी टाइम है लंच का समझ लो, ब्रेकफास्ट का समझ लो, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा हो रहा है, बहुत टाइम हो गया आज। तो मैं बनाने लगी हूँ, अभी छोले का तड़का लगाने लगी हैं, छोले पूड़ी बनाऊंगी। तो आपको लग रहा होगा कंजकों को छोले पूड़ी नहीं दी, तो अब मैं खुद खा रही हूँ, तो उसका रीजन मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि उनको क्यों नहीं दी मैंने छोले पूड़ी। तो चलो मैं अपने लिए बनाती हूँ छोले पूड़ी, जिसके लिए खाली मैं टमाटर यूज करूंगी और जरा सा मैं ये अदरक डालूंगी, बस इसको मैं पीस लूंगी, फिर इसका तड़का लगाते हैं। काले चने बनाऊंगी मैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और अदरक का पेस्ट, थोड़ी इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी, एंड थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, दैट्स इट। तो मसाले को अच्छे से पका लेंगे, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने, बॉइल्ड उबले हुए हैं, थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, गार्निश करेंगे, और 2 से 3 मिनट और गैस पे रखूंगी मैं, फिर इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊंगी ये बना कैसा है। 2 से 3 मिनट और गैस पे रखूंगी बस। तो गाइज ये मैं पूड़ी भी बना रही हूँ, पूड़ी के लिए मतलब आटा गूंद लिया था, ये मैं बेल रही हूँ उनको, और इधर मैंने हलवा बना दिया है, तेल गर्म हो चुका है, उधर छोले बन गए हैं, बस मैं बेल के, फिर आपको लग रहा है कितनी सारी बेल रही हूँ, तो मैं सारी नहीं खाने वाली हूँ, तो जो सिर्फ मेड है सफाई करके जाते हैं आंटी, उनके लिए मैं बना रही हूँ। कंजक नहीं दे रही, मतलब उनको ऐसे है कि जैसे होता है ना कि वो अभी आएंगे शाम में आएंगे, तो उनके उनको दे दूंगी मैं, कि उनके घर के लिए, घर में वो खा लेंगे अपने, इसलिए मैं ये ज्यादा बना रही हूँ। और उनके वैसे उनकी कोई लड़कियां नहीं है, उनके पास 2 बेटे हैं, लेकिन ये कि जो उनसे कंजक मतलब बच्चों को मैंने सबको दिया, उसके लिए मैंने 2 पैकेट अलग से बना के रख दिए, वो भी साथ में, और ये भी पूड़ी और छोले भी दूंगी उनको। अभी मेरा लंच रेडी हो गया, तो आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अभी टाइम 12:30 हो गया, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि 12:30 हो चुके हैं, और इस टाइम पे मैं ये खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि आपको मालूम है अगर कंजके बिठाते हो तो सूचे मुँह बिठाती हूँ मैं, और फिर मेरे को ये बनाते बनाते टाइम लग गया, क्योंकि कंजके भी मेरे को मिल नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मिली, क्योंकि आज के दिन कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, देता मतलब बुलाते रहो बच्चों को छोड़ते ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल से बच्चे मिले मेरे को, और जैसे बाकी पैकेट्स बच गए थे, फिर मैं ना
बाहर जाके ना दे आई फिर उनको बच्चों को। तो बस आज मैंने अपने लिए बनाया, और आपको लग रहा हो कि मैं बच्चों के लिए वो पैकेट्स बनाया है जो कि फ्रूट्स वगैरह थे और अपने लिए बनाया, ऐसा क्यों मैंने उनके लिए क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने उनके लिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को गर्ल्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, नवरात्रों के बीच में स्टार्ट हो गई है। तो फिर अभी कंजके बिठाने तो होता है ना कि सुच्चा थोड़ा होता है, साफ रहना चाहिए, तो नहीं मैं बना सकती थी। और आपको लग रहा होगा वो उस पर भी तो हाथ लगे होंगे, तो मैंने उनको टच बिल्कुल भी नहीं किया उस सामान को। मेरी फ्रेंड है, उसने पैकेट्स बना 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 के रखे हैं और वही सामान लेके आई थी, तो इसलिए हमने फ्रूट्स की बिठाई है क्योंकि मेरी मम्मी मेरी सिस्टर ने बोला था तुम बना नहीं सकती हो तो ना, इसलिए अच्छा ना तुम ना फ्रूट्स की बिठा दो, इसलिए मैंने वो बनाई है। तो अपने लिए तो मैं बना सकती थी ना, आप तो खा ही सकते हैं। और आपको लग रहा होगा आज तो सब कुछ मतलब पूजा पूरी खा रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि हम मतलब हम पूरी खा नहीं सकते, खा सकते हैं, त्योहार है फेस्टिवल है उसमें तो हम खा ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो पूरी है ना आटे की है, मैंने इसमें मैदा वैदा ऐड नहीं किया, मैं आटे की पूरी अच्छी लगती है मेरे को। हम मैदे की घर पे भी बनाते हैं, आटे की बनाते हैं, और छोले हेल्दी होते हैं, पूरी आटे वाली हेल्दी होती है, हलवा तो हेल्दी होता है, घी एंड सूजी और कुछ भी नहीं है इसमें। और जो रही बात ये डीप फ्राई है, वो तो अनहेल्दी है, डीप फ्राई चीज़ कौन सी हेल्दी होती है, डीप फ्राई चीज़ें कुछ भी हेल्दी नहीं होती हैं, वो अनहेल्दी होती है, बट कभी कभी चलता है और फेस्टिवल्स पे ये चीज़ें चलती हैं, ये आम है, ये सब खाते हैं। और रही बात आपको मालूम है जो मैं खाऊंगी मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैं अब ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ मैं रोटी लेके मैं तो रोटी खाऊंगी, ऐसा नहीं है, जो मेरी प्लेट में होगा मैं आपको वही दिखाऊंगी। और मैं ज़्यादा पूरी नहीं खाती हूँ, मेरे को एसिडिटी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं दो पीस लेके बैठ गई हूँ, खाऊंगी। एसिडिटी होगी या नहीं होगी वो तो होगी ही होगी, क्योंकि मेरे को इससे एसिडिटी बन जाती है, पूरी से डीप फ्राई चीज़ों से मेरे को एसिडिटी बन जाती है। तो कोई बात नहीं, आज फेस्टिवल है तो हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना ये। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, टमाटर और अदरक का मसाले डाले हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। जब आप ये चीज़ें बनाते हो ना फेस्टिवल और उसके लिए आप कुछ बना रहे हो, सीरियसली वो सच में बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी बनता है, ये फैक्ट है, ये अजमाई हुई चीज़ है। और ये सब्जी मेरे को लगता है सबसे टेस्टी आज की सब्जी बनी है, ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हलवा पूड़ी छोले कंजकों पे मस्त है, और ये ऐसा नहीं है कि हमको खाने चाहिए हमको ऐसे कभी कभी तो चलती हैं ये चीज़ें। और रही बात कही, वो कमेंट्स आ रहे थे कि आप मतलब आपने सिर्फ 7 नवरात्रे रखे हैं, आप जल्दी 9 होते हैं, तो मैंने आपको कितनी बार बोला था कि अष्टमी पूछते हैं हम, तो 8वां आज अष्टमी है, कल नवमी है, कई लोग कल पूछते हैं, तो हम लोग आज पूछते हैं, इसलिए नवरात्रे कल ही मेरे फिनिश हो गए थे, मतलब आज मैंने कंजकें पूछ ली हैं। तो चलो मैं आराम से खाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी 3:30 का टाइम हो चुका है और मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ, ये ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी, तो बस मैं यही पी रही हूँ। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया लंच, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो पीना चाहिए, तो बस मैं ये पी रही हूँ आराम से बैठ के बस इसको पीऊँगी। और पता है 3:30 हुए हैं, मौसम ऐसा हो गया जैसे ना बिल्कुल बारिश का मौसम हो, ठंडा ठंडा, पता है आप तो ना 3-4 दिनों में, मेरे को लगा 3-4 दिन या हफ्ते तक तो ना पूरी की पूरी ना ठंड आने वाली है। रात को फैन भी मैं 3 पे करके सोती हूँ, इतनी ठंड आ गई, पहले तो फुल करके सोते थे 5 पे, अब मैं 3 पे करके सोती हूँ, और ना ब्लैंकेट पतला सा लेके सोती हूँ, ठंड लगती है। और सुबह सुबह तो ऐसे मन करता है पंखा जो 3 पे भी चल रहा है ना उसको भी बंद कर दो, इतनी ठंड ठंड लगती है। सुबह सुबह उठो ऐसा लगता है पूरा पूरा जो सुबह उठते हैं उनको ये अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सुबह सुबह कितना कोहरा होने लग गया, धुंध जैसे लगने लग गई है, तो सुबह उठती बिल्कुल वाइट हुआ होता है, तो मतलब क्या बताऊँ, अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, आगे आगे तो और भी ठंड होगी ना तब पता चला है, क्योंकि मेरी ठंड बर्दाश्त नहीं होती अभी, तो चलो सही है। तो मैं बस ये ग्रीन टी पीती हूँ, और आज का दिन आप देख रहे हो कि बस मैंने वो लंच किया था, उसके बाद अभी तक तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं, ऐसे लग रहा है पूरी, शुक्र है मेरे को एसिडिटी नहीं बनी है, एसिडिटी ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने डीप फ्राई पूरी खाई और मेरे को एसिडिटी नहीं बनी, शायद इसलिए पहले तो हमको खाते रहते चीज़ें खाते रहते थे कितना कितना, अब तो कितने कितने टाइम बाद ये चीज़ मैंने खाई है, तो शायद इसलिए एसिडिटी नहीं बनी। होता ना कि एक आपका जो स्टेमिना आपकी चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाती हैं, आप पानी पीते रहते हो तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, इसलिए मे बी एसिडिटी नहीं बनी, शुक्र है, नहीं तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना, फिर मेरे को लगता है वो चीज़ खानी की है, लेकिन आज तो खानी थी मेरे को इसलिए मैंने खा लिया। चलो मैं पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
तो गाइज आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, क्या चीट मील या चीट डे करना जरूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल से थोड़ी सी बताती हूँ, क्या चीट मील और चीट डे करना जरूरी है। मतलब हम जब अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं, जब हम अपना वजन घटा रहे होते हैं, जब हमारा सारा फोकस हमारा वजन घटाने की ओर होता है, क्या हमको चीट मील लेना चाहिए। तो मैं आपको उसका आंसर देती हूँ कि चीट मील या चीट डे क्यों करना जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, चीट मील जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आज का दिन ही लेती हूँ, आज कंजकी तिथि और आज फेस्टिवल था, और आज के दिन जैसे कि हम लोगों में बनती ही है, सब में बनती है कि ये पूड़ी छोले हलवा, तो मैंने ये बनाया, कुक किया अपने लिए, स्पेशल कुक किया, जबकि वो मैंने कंजकों को नहीं दिया था। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ कि मैं क्यों, आपको लग रहा होगा मैं एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ। देखो, अगर मैं वो चीज़ ना खाती आज बना के, तो सारा दिन मेरे दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती कि मैंने आज के दिन तो पूड़ी हलवा खाते हैं, छोले खाते हैं, और घर पे बात करती, वहां पे भी बोलते कि हमने बनाया, सिस्टर के घर बात करती, उन्होंने ही बनाया होता, तो मैं सारा दिन सोचती रहती। अगर मैं ना डाइट, मतलब आप डाइट कर भी रही होती, तो ना दिमाग में यही चीज घूमती रहती, क्रेविंग्स होती रहती उस चीज की, पता नहीं कितनी को क्रेविंग होती। और जो आपका वजन घटाने की, और आप वेट लॉस जर्नी में हो अपनी, आपका वजन नहीं घटता, आप नेक्स्ट डे आप चेक भी कर सकते हैं, आपका दिमाग सेट नहीं है, आपका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि आपको क्रेविंग्स हो रही है, और क्रेविंग्स होगी तो आप कुछ ना कुछ खा ही लोगे, ऐसा होगा। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तो अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान चीट मील लेना चाहते हैं, हमको बहुत ज्यादा क्रेविंग किसी चीज की है, तो हम अपना चीट मील ले सकते हैं 15 से 20 दिन में, या कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, तब करो। ये नहीं है कि डेली हर हफ्ते करो। आप मेरे को देखते हो मैं चीट मील कितना ही लेती हूँ, मैं बहुत रेयर लेती हूँ। एक तो मैंने चीट डे किया था अपने बर्थडे पे, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देख सकते हैं, और एक मैंने चीट मील आज लिया है, 24 सेप्टेम्बर को चीट डे किया था, और अभी ये आज है 22 अक्टूबर, तो कितना ज्यादा गैप है आप खुद देख सकते हो। मैं नहीं इतने चीट मील या चीट डे करती हूँ, बहुत रेयर होता है, कोई फेस्टिवल होता है तब तो देखो होता है ना कि हाँ ये हम लोगों में मानी ही गई है, ये चीजें बनती आई हैं, सबके घर में बनती है, ये नहीं कि मैं स्पेशल हूँ या मेरे घर में ये चीजें बनती है, सबके घर में बनती हैं, तो ये नहीं सब खा रहे हैं तो हम तड़पते रहे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ललचते रहोगे, आप क्रेविंग अपने आपको क्रेविंग आती रहेंगी, आपका वजन नहीं कम होगा। इसलिए आप 15 से 20 दिन में या कोई भी फेस्टिवल हो, तो आपको चीट मील या चीट डे करना चाहिए। और उसके, अब देखो मैंने चीट मील अपना खाया, लंच खाया, ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो गया, मैंने अपने पेट में जो डाला आपको दिखा दिया। अब जो नाइट है अभी 5:30 हो रखी है, और मेरा पेट इतना फुल है, लेकिन मैं डिनर, ये नहीं कि मैं नहीं करूंगी, मैं डिनर करूंगी, मैं 1 कप दूध पीऊंगी सिर्फ गुनगुना, और कुछ भी नहीं साथ में खाऊंगी। तो आपने चीट मील भी खा लिया और साथ में आपने बैलेंस भी कर लिया, यही होती है आपकी, मतलब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो, आपकी यही बैलेंस करने की आपको जो हैबिट है, वही आपका वजन घटाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो आपको खुद को ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हम चीट मील खा रहे हैं, चीट डे कर रहे हैं, हमको नेक्स्ट डे क्या खाना है, या उसी दिन अगर हम खाली सिर्फ एक चीट मील कर रहे हैं, तो हमको क्या खाना है जिससे वो मैनेज हो सके। तो मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा इजी है, इजी वे है, हमारा वजन बहुत अच्छे से इससे जा सकता है, ये नहीं है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा। और कईयों के दिमाग में भी टेंशन होती है, मैंने पूरी हलवा छोले खा ली, नेक्स्ट डे वेट अप जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, 3-4 किलो, यार अगर जाएगा भी अब कितना चला जाएगा, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, चलो आधा किलो चला जाएगा, तो क्या हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट डे व्यू द्वारा कम चला जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन ही खाया ना। तो जितनी आप टेंशन लोगे, आपका वजन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आपने चीट मील या चीट डे कर लिया है, नेक्स्ट डे या उसी दिन आप मैनेज कर सकते हैं, और आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो गाइस आप बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरा चीट मील कैसा लगा। मैं चीट मील इसलिए बोल रही हूँ, देखो चने वगैरह तो हेल्दी होते हैं, लेकिन मैं पूरी को डीप फ्राई किया है, तो वो चीट मील में ही गिना जाएगा, चाहे वो कितनी भी आटे की हो। तो आप बताना आपको कैसा लगा, अगर आप नए न्यूट्रिक सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने न्यूट्रिक लाइक करना भी मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।